गया। अब नहीं नहीं फिर गिर जाओगे आप। ये देखो आप कपड़े गंदे कर रहे हो बेटा, उठो वहां से, उठो उठो उठो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज एमएसआर व्लॉग्स। आज के दिन की हो गई है शुरुआत। मेरा ब्रेकफास्ट अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने। वर्कआउट करने के बाद मैं अपना नाश्ता मतलब चाय बनाऊंगी। और आज मैंने नाश्ते में बनाई थी अजवाइन वाली पूड़ियाँ। एक्चुअली कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। और ये मेरा बिल्लू है, बिल्लू से गुड मॉर्निंग, से हाय अंश, हाय ओले। अच्छा आपके पास क्या है, ये क्या लिए हो आप अंश, क्या लिए दिखा दो, दिखा दो क्या है ये बेबी, दिखा दो क्या है ये, दिखाओ ऊपर करो, ऊपर उठाओ। अरे ये तो आपका पैरट रो रहा है क्या, किसने मारा इसको, आपने मारा। अच्छा इसको चुप करा दो, मम्मा कैसे चुप कराती है, ऐसे चुप करा दो और उसको पुच्छू दे दो। अच्छा पैरट को पुच्छू दे दो, अच्छा मम्मा को पुच्छू दे दो, मम्मा को पुच्छू दे दो, अली दे दो मम्मा को, मम्मा को तुम तो पैरट को दे दो, मम्मा को दे दो, आज आपने पुच्छू नहीं दी, ला ला मम्मा पुच्छू लो, पहले लाओ, पैरट से नहीं चाहिए आपसे चाहिए। पैरट पुच्छू दे रहा है, आप नहीं दोगे तो मतलब आप गंदा बाबू हो। ये गंदा बाबू है क्या, ये देखें ये बहुत गंदा बाबू है। कल हम लोगों की कुल्फी जम गई थी ना, आज कल हम लोग शाम को गए थे चाय पीने, मैंने बताया था आपको, भाई साहब इतनी ठंड थी शाम टाइम। एक्चुअली हम लोग जब अपने फ्लैट में होते हैं तो सब खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं तो ठंड का पता नहीं चलता, लेकिन कल जब बाहर गए ना तो सच में हमारे तोते उड़ गए, मतलब सारे तोते उड़ गए। ओए होए एक ही तोता है, तोता कच्चू कर रहा है बाबू, तोता कच्चू कर रहा है, तुम कच्चू करा रहे हो तोते से, तोता क्या कर रहा है, पुच्छू दे रहा है क्या। और आप तो आप कब दोगे पुच्छू, पहले आप दो, नहीं पहले आप दो, बेबी देगा, अंश देगा पुच्छू, पुच्छू दो। अरे अरे गंदा बाबू, ये गंदा बाबू, ये चिटान है, चिटान बाबू मेरा, बहुत शैतान बच्चा मेरा, बहुत प्याला बच्चा है मेरा ये। अच्छा चलो बैठो, मम्मा नाश्ता कर लेंगे तो ठंडा हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों मेरा वर्कआउट हो चुका है और मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया है। सो दिस इज माय नाश्ता, अजवाइन की पूरी और गर्मा गर्म चाय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मुझे अपना वेट लूज करना है तो मैं ऐसा खाना क्यों खा रही हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मैं बहुत ही बड़ी वाली फूडी हूँ, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, जैसे कि बनाना पसंद है वैसे मुझे खाना भी पसंद है, मुझे वैरायटी पसंद है, मतलब सिर्फ वेजिटेरियन में, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाती। हाँ तो मेरे से एक्सरसाइज आप करवा लो, मैं कर लूँगी, वॉक करा रही हैं जितनी मैं कर लूँगी, लेकिन डाइटिंग मेरे से नहीं हो पाती है। खाना देखते ही, खास करके अगर मेरा मनपसंद खाना हो ना तो फिर मैं नहीं छोड़ सकती उसको, मुझे उसको खाना है तो खाना ही है। तो आज मैंने जो है मक्खन बनाया है और इस मक्खन को मैं अलग करूँगी तो मेरे पास बच जाएगी छाछ, छाछ या मठा बोलते हैं जो भी बोलते हैं। और ये देखिए मक्खन मैंने अलग कर लिया है और छाछ मैंने अलग कर लिया है, तो जो छाछ है उसका मैं कुछ भी बना सकती हूँ। इसको बोलते हैं मठे के आलू, वैसे तो ये मठे से बनाया जाता है, मठा इज़ छाछ। और वैसे तो चाहे आप इसको दही से भी बना सकते हैं, नॉर्मली अगर आप इसकी रेसिपी खोजेंगे यूट्यूब पर या इंटरनेट पर तो आपको दही के आलू डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग मठा जानते ही नहीं है व्हाट इज मठा, मठा इज छाछ। ये मेरा बिल्लू, बिल्लू इज रेडी भैया को पिक करने के लिए, देखें देखें, नो नो लग जाएगा बाबू, दूध पीना है और पी लो, नहीं अच्छा है, ठंडा है। अंश को मैंने तैयार कर दिया है नहला धुला करके,
और मेरा जो लंच है उसकी मैं सब्जी जो बना रही हूँ, दैट इज़ मठे के आलू, जो मैं अभी मैंने आपको बताया वो मेरी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। उसमें सिर्फ मुझे नमक बचा ऐड करने के लिए, वो मैं एट द एंड ही मिलाती हूँ। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी अंश को लेकर के, अंश को लेकर के जाऊँगी अर्जुन को पिक करने के लिए। फिर जब वहाँ से वापस आऊँगी उसके बाद उसको फ्रेशन अप कराऊँगी, उसके बाद फिर मैं जो है चावल और रोटी बनाऊँगी। इतना काम मैं बाद में करती हूँ। बस मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी सी कसर रह गई है बस। अब क्या लिए हो आप, क्या है इसमें? हाँ ये क्या है दिखाओ। गई, टूट गई, सब तोड़ डाली आपने है ना, बची की टूट गई। ऐसे जानबूझ के आप कर रहे हो, गंदी बात, वेरी बैड। तो ये मेरे छोटे साहब जा रहे हैं बड़े भैया को पिक करने की। क्या है मंकी, क्या है मंकी, मंकी क्या है? अच्छे से डांटो, किसको डांट रहे हो आप? मामा। कहाँ है मामा, किधर है? ये मामा है, हर कोई तुम्हारा मामा है। अच्छा डांट दो उसको, डांटो अच्छे से डांटो और डांटो। ये कौन है भैया, कौन है भैया है? उठो उठो उठो। अंश सन को कैसे देखता है बाबू मेरा, ऐसे ऐसे देखता है? ये कौन है? मंकी। कौन है? मंकी। मंकी को डांट रहे हो आप? मंकी बेचारा रोएगा, उसको कैसे चुप कराएगा, ऐसे चुप कराएगा? उसको अच्छा पुच्छू दे दो, पुच्छू दे दो उसको। आ हाँ मंकी को पुच्छू दे दिया आपने। अच्छा आओ चले हम लोग झूला झूले, चलो झूला झूले आपको, चलो आओ आपको फिश दिखाऊं। देखिएगा ये देखो फिश कहाँ है, किधर है फिश है? अच्छा फिश को फ्लाइंग किस दे दो, हाँ कैसे देगा ऐसे? ये क्या है, ये फाउंटेन है बाबू है ना, ये फाउंटेन है, ये फाउंटेन है, इसमें पानी नहीं है बेबी, देखो पानी नहीं है, ये तो खाली पड़ा हुआ है ना, ये खाली है, इसमें पानी नहीं है, है ना। तो जी देखो हमारे पतिदेव घर आ गए, पतिदेव का चाय और नाश्ता रखा है। बाहर का मौसम कैसा है आज का? कल जैसा ही है, ठंडा एकदम। मैं दोपहर में गई थी ना अर्जुन को पिक करने, उस टाइम पर भी मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही थी, धूप में अच्छा लग रहा था पर लेकिन हवा अभी ठंडी ही चल रही थी। अंश बाबू क्या कर रहा है मेरा, देखो 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 मेरा छोना क्या कर रहा है, मम्मी को देखो, मम्मी कहाँ है, मेरा छोना क्या कर रहा है, मेरा छोना। जैसा कि मेरे टाइटल में आपने देखा तो मेरे पास कुछ ऑक्सीडाइज जो इयररिंग्स होती हैं उसका कलेक्शन है, तो आप सब प्लीज़ उसे देखिए और बताइए कि आपको उसमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा। वैसे तो ये सारे ही मेरे मनपसंद के हैं, ये सारे, ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे इसलिए पसंद आती है क्योंकि ना ये बहुत ही लाइट वेट होती है और इसको पहनने के बाद ना फील नहीं आता है कि आपने कुछ भी पहना हुआ है, बहुत लाइट वेट होती है। अच्छा ये उसमें से नहीं है,
लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, ये मेरे कान में ना फिट ही नहीं होता। तो देखिए गाइस, ये मेरी कुछ मतलब ये है मेरे पास जो ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स का कलेक्शन है, ये इतनी सारी है मेरे पास। और बताइए आपको इसमें से कौन सा बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, ये वैसे तो मुझे ये सारी पसंद है, पर इनमें से कुछ हैं जैसे कि खास करके एक दिस वन, ये थोड़ा सा यूनिक है और मुझे काफ़ी पसंद है, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आता है। इसके अलावा एक और है, ये इसमें फ्रंट में ना मिरर है, और ये मल्टी कलर के इसमें जो बीड्स लटक रहे हैं ना, तो ये किसी भी ड्रेस के साथ मैच हो जाएंगे। और दूसरे ये मुझे बहुत पसंद है। और एक ये है, ये भी काफ़ी यूनिक है, पर ये थोड़े बड़े हैं ना तो मेरे कान में फिट ही नहीं होते, बट इसका लुक बहुत प्यारा है। तो जी, ये है मेरा इयररिंग्स का कलेक्शन, और अगर मैंने इसको जल्दी से जल्दी नहीं हटाया ना, तो ये आधे तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्ला, मेरा बिल्लू मेरा इधर खड़ा हुआ है और वो भी देख रहा है कि आखिरकार ये है क्या। तो अब मैं वीडियो बंद करके मैं फटाफट इसको पहले से हटाती हूँ। तो जी, रात का समय है और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और मैं वॉक पर आई हूँ, लेकिन आज अब मैं मतलब जिस वॉक पे जाती थी उधर पे नहीं हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग के ठीक नीचे हूँ, यहीं पे बस राउंड एंड राउंड लगा रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। कैसे दिखाऊँ, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, तो बच्चों को लेकर के इस टाइम पर वॉक पे नहीं जा सकते हैं, बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं अकेले आई हूँ, बिल्डिंग के नीचे ही हूँ, यहीं पे थोड़ी देर, जितनी देर हो सकता है उतनी देर वॉक करूँगी। तो चलिए, अब हम कल मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।